हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था ग्राफ ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको विद प्रूफ पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन किया था जैसा कि आप जानते हैं। बट एक बात आप याद रखिए, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स पर, वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आप ये कहिए वो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, जिसमें सिर्फ अभी आपको इतनी नॉलेज है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ अभी आप इतना जानते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दो रिलेशन हमने पढ़े थे, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यानी कि राइट नाउ वी हैव ओनली टू वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ द जीरोज। क्या होगा तब, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या होगा तब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है कोई आंसर आपके पास? एनसीईआरटी में बिल्कुल भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो ये लेक्चर आज का बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है और बहुत सारी चीज में नए नए फॉर्मूले में ड्राइव कराने वाला हूं, उसको आपको नोट डाउन करना है बहुत अच्छे से और फ्रीक्वेंटली उसका रिवीजन करते रहना है। और यहां से क्वेश्चन भी बोर्ड में जरूर आता रहा है हर बार क्लास 10th में। अब जैसे ही हो गया, क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से निकालोगे? दूसरा मान लीजिए इस तरीके से पूछ लिया, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये भी मैंने एक जनरल इक्वेशन ली है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या कुछ भी हो सकता है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू, कुछ भी हो सकता है। अब क्या आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए थर्ड रहा, अब उनको ये चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फोर्थ में वो कह रहे हैं हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा, सम तो है हमारे पास, डिफरेंस तो नहीं है। फिफ्थ में चाहिए उनको अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, सिक्स में उनको चाहिए वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर, समझ रहे हैं। सेवेंथ में उनको चाहिए, मान लीजिए क्या चाहिए सेवेंथ में, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आरडी शर्मा की बुक में दे रखा है। तो अभी मैं इन सब के जनरल फॉर्मूलाज आपको प्रूफ करवाने वाला हूं, अभी मैं बता रहा हूं आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन, तो इन सब की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, पहली बात आपके पास सम की वैल्यू है यानी कि सम ऑफ जीरोस, और दूसरा आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यूज है यानी कि प्रोडक्ट। तो आप ये चाहेंगे आपसे कुछ भी निकलवाया जाए ए टू जेड, आप या मैं, हम ये चाहेंगे कि वो जो वैल्यू है लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की पावर फोर बीटा की पावर फोर, वो सम में कन्वर्ट हो जाए, सम में और प्रोडक्ट में। यानी कि मैं कोई ऐसा फॉर्मूला लगाऊं अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर का, उसमें जो भी वैल्यूज बने या तो वो अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में हो या अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, इसके अलावा हमें कोई वैल्यू मालूम नहीं है। तो ये ही रिलेशन मैं आपको ड्राइव कराने वाला हूं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से हाउ वी कैन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाउ वी कैन फाइंड अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, एसेट्रा एसेट्रा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन में मैं सारे रिलेशन ड्राइव करवाऊंगा और सिर्फ जनरल वैल्यूज पे आपको निकाल कर दिखाऊंगा, जो मैं एक एक क्वेश्चन ये मान ले रहा हूं, ठीक है? तो उससे पहले प्यारे बच्चों, कुछ रिलेशन मैं आपके वेरीफाई करवा रहा हूं, वेरीफाई नहीं बल्कि मैं बोलूं कि मैं ड्राइव करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं क्या चाहूंगा वो सम में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला फॉर्मूला देखिए, क्या हम नहीं जानते कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं, क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। मुझे क्या चाहिए था अभी, देखिए क्या बात हो रही थी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, यह है बेटा प्रोडक्ट और यह है बेटा सम। हम सम की वैल्यू रख देंगे माइनस बी अपॉन ए, अगर एबीसी की फॉर्म में दे रखा है, अदरवाइज कोफिशिएंट की फॉर्म में दे रखा है तो कोफिशिएंट की वैल्यू रख देंगे, उसका स्क्वायर करा देंगे। तो यहां से क्या यह कहना गलत होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला बना वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, टू अल्फा बीटा इधर माइनस में आ गया। तो इस बात को नोट करके लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बेटा ये फॉर्मूले आपको याद करने, लेकिन मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं पहली बात सुन लीजिएगा, मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा एक एक फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा।
कुछ मैं फॉर्मूले आपको बना के दूंगा, इन्हीं फॉर्मूले के बेस से एक एक क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा आपका, इस बात की गारंटी है। तो पहला फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। बस बेटा वे ऑफ थिंकिंग चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है, कि आप सोचिए कि मैंने खुद से लाया हूं, ये घर से मैंने इन्वेंट करके नहीं दिया आपको, ये वही फॉर्मूला जो क्लास 8 में पढ़ा था, बस थोड़ी सी थिंकिंग इसमें लगाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसको कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रही है बात? नंबर टू, अब मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जानता हूं, बताइए आप लोग बताइए क्या था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा और अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये है सम ऑफ द जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और ये भी है सम ऑफ द जीरोस, सबकी वैल्यू हमारे पास है। तो मैंने क्या कहा था, वी वॉन्ट ऑल द वैल्यूज शुड बी कन्वर्टेड इन टू सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, बिकॉज वी हैव द वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स। तो इसलिए हम यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, तो बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या निकल के आ जाएगा? अरे बड़ा सिंपल है। तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी गए तो बना लीजिएगा इस फॉर्मूले से, रटने की जरूरत नहीं, अगर समझोगे तो भूलोगे ही नहीं, भूल गए तो बन जाएगा ना ऑटोमेटिकली, क्लास 9 की आइडेंटिटीज है। और अगर आपने रट्टा मारा तो फिर आपको कुछ याद रहने वाला नहीं, इतनी बात समझ लो। अब तो माइनस का 3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, किसका फॉर्मूला हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। अब बची बात तीसरा फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीन फॉर्मूले ड्राइव कर लिए आपने, सारा काम आपका हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। एक अल्फा माइनस बीटा का भी बना दूंगा, हाँ जी ठीक है। तो देखिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज करूंगा, देखिएगा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा की जगह है अल्फा स्क्वायर और बीटा की जगह है बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा की जगह क्या है, यहां पर स्क्वायर है, तो यहां पे अल्फा बीटा का स्क्वायर लगा दिया मैंने, बिकॉज ये होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा सी अपॉन ए हो जाता है ना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो ये बन रहा है, इसका फिर से फॉर्मूला लगा दिया, बिकॉज अभी ये सम में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, उस पे क्या लगा है बच्चे लोग, होल स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का, रटना नहीं है, मैं कभी याद नहीं करता हूं ये, बिकॉज मेरे पास लॉजिक है भाई बनाने का, ठीक है। तो हमारे पास लॉजिक है बनाने का, तो रटना नहीं है, कितने फॉर्मूला से कहां तक रट सकते हो आप मुझे ये बता दीजिए। तो इसको बहुत ध्यान से आप कर लीजिए नोट, बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फॉर्मूलाज टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। एक और बना लेते हैं नंबर 4 बस, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक। किसका बनाना था, अल्फा माइनस बीटा का। देखिए एक बात बताइए, मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेके चलना चाहता हूं, लॉजिक है बस, ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, सर बिल्कुल सही है। तो इसको ये लिखूंगा, मैंने चेंज ही किया क्या, तो ये बताइए कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं क्या कर दूं बताइए, मैं प्लस 2 अल्फा बीटा कर दूं और माइनस 2 अल्फा बीटा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, और माइनस 2 अल्फा बीटा तो एक और था ही, मैंने प्लस का 2 अल्फा बीटा कर दिया और माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया, अरे बताएंगे सबर करिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बताइए क्या बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सम ऑफ द जीरोस, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। हालांकि मैं ये डायरेक्ट लिख देता, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखी जाती है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, बट फिर आप सोचते पता नहीं कहां से लिख लिया, रटा रहे हैं सर। तो आपको मालूम है ना ही ये रटाने वाले टीचर है ना ही ये रटाने वाली क्लास है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आज से याद रखिए, ये आपके क्लास 12 में भी यूज होंगे, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे चाहे बायोलॉजी ऑप्ट करें, फिजिक्स जो है वो बड़ा डेंजर कॉम्बिनेशन है, बड़ा डेंजर फ्यूजन है मैथमेटिक्स का और साइंस का, तो फिजिक्स खतरनाक, इसीलिए चाहे आपकी आईआईटी हो चाहे आपके नीट हो, जो सिलेक्शन होता है वो फिजिक्स के बेस पे होता है, और फिजिक्स उसी बच्चे की अच्छी होगी जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, बिकॉज कैलकुलेशंस में और बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रीज में यूज होती है, तो बच्चा वहां पे जो है घबरा जाता है कि ये पता नहीं कौन सी चीज आ गई, इसलिए फिजिक्स को टिपिकल सब्जेक्ट माना गया है क्योंकि इसमें मैथ का साथ फ्यूजन है साइंस का, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजों का यूज हो सकता है आपका, चाहे फिजिक्स हो, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक।
तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। हमें चाहिए था अल्फा माइनस बीटा बिकॉज हमारे पास सम ऑफ द जीरोस तो था, डिफरेंस ऑफ द जीरोस आज तक नहीं था। तो आपको कोई टीचर पढ़ाएगा वो क्वेश्चन में सिखाएगा, आपके सर ने पहले ही सारा काम तैयार कर दिया, यानी कि सारे वेपन्स रेडी कर लिए, बस आप जल्दी से क्या करना है क्वेश्चन को किल करना है धड़ 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 धड़, समझ रहे हो। तो अब कोई परेशान करने वाला नहीं है, पूरा ब्लड प्रूफ लेस हो गए, सारी बंदूकें सारी गोलियां भर ली हैं, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो परेशान करेगा आपको। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा अंडर रूट, सॉरी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। इसको लिख देंगे माइनस बी अपॉन ए, इसको लिख देंगे सी अपॉन ए, या तो इसी फॉर्म में रहेगा या जो वैल्यू दे रखी होगी उस वैल्यू की फॉर्म में आ जाएगा ए बी सी की अगर कोई वैल्यू होगी। तो ये था बेटा नंबर 4 फॉर्मूला कन्वर्जन, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये हम कह रहे हैं हम। तो ये 4 फॉर्मूलाज का आपको डेरिवेशन जिस तरीके से मैंने इनको ड्राइव कराया है, और इसको आप मतलब जब प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की तो खुद ही याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। याद करने से मतलब ये नहीं होता, याद करना फायदेमंद भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ड्राइव करने बैठोगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इतनी और बार बार इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो ये खुद ही आपको लर्न हो जाएंगे। बट रट्टा नहीं मारा हुआ है आपने, मैंने इन सब का डेरिवेशन आपको दिखाया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो आरडी शर्मा में एक क्वेश्चन भी था इस टाइप का, तो पहले जनरल टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इस तरीके से लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा, जनरली अल्फा बीटा से जीरोस को डिनोट करते हैं। अगर वो ये कर दे कि इफ एम एंड एन आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, तो जो फॉर्मूले थे वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो ऐसे हो जाएंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जनरली हम जीरोस को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अल्फा बीटा ले रहे हैं हर जगह। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, पता ये लगा बच्चा अल्फा बीटा की फॉर्म में तो कर ले रहा है, अब आ गया एम एन की फॉर्म में, बोले सर क्या इसका कोई और फॉर्मूला बनेगा, तो वेवकूफी वाली बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल शॉर्ट में लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड, तब पता लगाइए। क्या पता लगाइए, पहला, ठीक है मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखता जाऊंगा फिर उनके सॉल्यूशन करता जाऊंगा। पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पता लगाइए, ठीक है चलिए बिल्कुल पता लगाएंगे क्यों नहीं। अब आपको क्या करना है, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सर कैसे पता लगाएं, तो दो बातें तो आपके पास पहले ही हैं, ये इक्वेशन है और इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा तो आप पहले से ही जानते हैं क्या, माइनस का बी अपॉन ए, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था, एंड अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए, यानी कि दो वैल्यूज हमारे पास हैं, इन्हीं दो वैल्यूज का यूज करके सब निकालना है, तो इसीलिए तो हमने सारी चीजों को किस में कन्वर्ट करा दिया, सम में और प्रोडक्ट में, तो अब कोई दिक्कत होनी नहीं है बेटा, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सेंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, फरमान सर ने क्या बनाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देख रहे हो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का जल्दी बोलो 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए, उस पर लग गया स्क्वायर। अगर ये 2, 3, 4 रूट 2 कुछ भी होते ना, जैसे कोई पॉलिनोमियल होता कॉन्स्टेंट कोफिशियंट के साथ, तो हम वो रख देते, अभी माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में रख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर ए बी सी है, तो चिंता की कोई बात नहीं, इसके बाद कोई वैसा क्वेश्चन करा देंगे। माइनस का 2 अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, खत्म बात, निकालो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का 2 सी अपॉन ए स्क्वायर ले लो अपना एलसीएम, तो ये रहेगा बी स्क्वायर ए से कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 ए सी, ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, खत्म बात, समझ रहे हैं। तो हर चीज को किस में कन्वर्ट कर लो, सम में और प्रोडक्ट में, कर लो नहीं करके दे दिया है आपको, कर लो क्या होता है, ठीक है ना, करके दे चुके हैं आपको, अब आपको कुछ करने का काम बचा ही नहीं, बस इसको अच्छे से देख लो रिवीजन कर लो अपना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू का आगे यूज हो सकता है बिकॉज एक वैल्यू हमने निकाली है, पता लगे कोई दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें लिखूं वहां अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन गया तो मैं दोबारा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये बात भी ट्रिक बता रहा हूं, तो मैं इसलिए इसका आंसर मैं साइड में लिख दे रहा हूं जिससे हमें याद रहे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, देखिए अभी दिखाता हूं इसका कैसे यूज हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है। सपोज करिए अब दूसरा क्वेश्चन हमसे आया, क्वेश्चन यही है, इसी में दूसरा पार्ट आया कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब तुम कहोगे सर इसका तो कन्वर्जन पढ़ाए ही नहीं हो आप, आपने पढ़ाया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोल लो या अल्फा माइनस बीटा बोल लो जो रूट में आया था, ये तो पढ़ाए नहीं हो आप, ये कैसे होगा। अरे बेटा जरा देख तो लो एलसीएम तो लो, अल्फा इंटू बीटा क्या बन गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
अब तुम्हें क्या लग रहा है मैं इसको फिर से सॉल्व करने वाला हूं? तो मैंने जो बोला था वो बात मैं प्रूव भी कर रहा हूं ना। तो मैंने क्या कहा था, जो वैल्यू आपने निकाली थी भाई इसको याद रखो, हम जब इसको पहले निकाल चुके हैं तो इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन तो सेम ही है ना, क्वेश्चन चेंज होगा तब हम इसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ और वैल्यू आएगी इसकी, बट क्वेश्चन सेम है। तो फॉर सेम क्वेश्चन वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्टली, बिकॉज हम उसमें वर्कआउट कर चुके थे ना। लिखो भाई क्या आई थी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन का ए स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू लिख लो भाई, अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए, ठीक है, ये जाएगा ऊपर ये जाएगा यहां पर, यानी कि हम कह सकते हैं एक a से एक कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन का ए, खत्म खल्लास, किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो जो हमने फॉर्मूले ड्राइव नहीं किए हैं वो ऐसे बनेंगे जब आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा उनकी आप कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो वो उन्हीं में कन्वर्ट हो जाएंगे, किन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इस टाइप की कोई वैल्यूज बन जाएंगी जिसका कन्वर्जन फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी होगा। तो इस बात की चिंता नहीं करनी है बच्चों कुछ भी, बस करते जाओ यार, स्टार्ट कर दो बस, ठीक है ना, घर से निकलोगे मंजिल खुद मिल जाएगी। अब घर से निकलोगे ही नहीं इस डर से कहीं खो जाए तो फिर उस बच्चे को तो मंजिल कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो तीसरा करते इसी टाइप का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लेते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का बच्चा लोग क्या फॉर्मूला बनाया था अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और ये 3 अल्फा बीटा इधर माइनस में आ गया था। तो हम तो ऐसा याद रखते हैं, दिमाग में ही कर देते हैं कन्वर्जन, बात खत्म। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। बहुत गर्मी हो रही है आज, ठीक है, वैल्यू रखवाइए कोई इशू नहीं है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, देख रहे हो कोई चिंता आएगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन एबीसी की फॉर्म में था तो एबीसी रखवा रहे हैं। क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब का माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3c अपॉन ए, अच्छा चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3bc और अपॉन ए स्क्वायर। क्या एलसीएम लेंगे, ए क्यूब लेंगे सर, तो ये क्या बचेगा, माइनस का बी क्यूब एज इट इज बचेगा, एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, एक ए हमारे पास बचेगा, दैट इज 3abc। तो आंसर आ गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ठीक है बच्चों। तो जनरल वाले एक एक क्वेश्चन तो करा ही देते हैं सारे, इसको हटा दीजिए। नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ सपोज कर लीजिए, अभी किस टाइप का क्वेश्चन बनाया था, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन बनाया था, एक अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब इसके एलसीएम अगर हम लें तो हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। तो अभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू तो हमने निकाली थी ऑलरेडी, बिकॉज मुझे तो वो याद नहीं रही क्या निकाली थी या क्या आई थी, हाँ याद है, चलो लिख लेते हैं, अदरवाइज मैं आपको ये होमवर्क में करने को दे रहा था। वैल्यू आई थी माइनस का बी क्यूब, बिकॉज मैंने क्या बोला था कि बेवकूफ तो है नहीं ना, हम जब पहले निकाल चुके हैं तो इसको दोबारा निकालें, नहीं निकालेंगे ना, बिकॉज क्वेश्चन सेम है, तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc अपॉन का क्या था ए क्यूब था, ठीक है यही था ना। अब है अल्फा बीटा तो अपॉन में अल्फा बीटा क्या लिखते हो, सी अपॉन ए, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर बचेगा और सी चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc और अपॉन का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी, आ गई ना वैल्यूज। तो ये सारे लॉजिक हैं इसके, कोई दिक्कत वाली कहीं से कोई बात होनी नहीं है। एक और निकाल लेते हैं, वो क्या निकाल लेते हैं, नंबर फिफ्थ, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होता है, जल्दी बताओ तुम्हें याद रहेगा, तुम सोचोगे सर ने कैसे लिखा, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और इसका क्या था, इसका था होल स्क्वायर, साथ में क्या था, माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये प्रैक्टिस से आया भाई, 4-5 साल की प्रैक्टिस है ना पढ़ाने की, उससे आया, बट अभी ये 1 साल बाद यूज हो रहा है, मैंने 1 साल पहले पढ़ाया था, ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले पढ़ाया था, तो अब इतना जब आप रिवीजन करेंगे तो याद आ ही जाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन आप बनाएंगे आपको भी याद हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज मेडिकल पे इसका कोई टॉनिक कोई कैप्सूल नहीं आता जो आपको मिल जाए और उससे आपको ये याद हो जाए, ये अफसोस की बात है, अभी तक ऐसा बना नहीं है कोई सप्लीमेंट, जब बन जाएगा तो इन्फॉर्म कर देंगे आपको, उसको खरीद लीजिएगा, और बन कभी पाएगा नहीं तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो बोरिंग नहीं होना चाहिए ना लेक्चर, बीच बीच में मज़ा भी आता रहना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लें, थोड़े से काम की बात कर लें, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जल्दी बताइए, माइनस बी अपॉन ए, उस पर क्या लगा, स्क्वायर लगा, माइनस का 2, अल्फा बीटा क्या हुआ, सी अपॉन ए हो गया, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है बस बच्चों,
टेंशन नहीं लेनी कि नहीं हो रहा है, उदास नहीं होना है जिंदगी में कभी, ठीक है, मोटिवेटेड रहो। अल्फा बीटा सी अपॉन है, हो सब जाएगा, प्रैक्टिस करोगे हो सब जाएगा, बिकॉज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात याद रखना, ठीक है ना। ओके, तो एलसीएम एलसीएम लो इसका, आप क्या करोगे, तो बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का टू सी अपॉन ए, और इस पे लग रहा है होल स्क्वायर, माइनस का टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इसका एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो ये तो ऐसे ही रहेगा बी स्क्वायर, ए के से ए के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का टू ए सी, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर लगा था, हाँ जी, माइनस का टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यार अब इसको कौन सॉल्व करेगा, इसका होल स्क्वायर खोलें वगैरह वगैरह कुछ करें हैं, कर दें, इतना काफ़ी है, इतना छोड़ दीजिए, एक ही पावर फोर करके एलसीएम ले सकते हैं, बट इतना छोड़ दे रहे हैं हम, ठीक है, बाकी अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती तो रखवा देते, फिलहाल हम इतना छोड़ रहे हैं। और क्या ऐसा, हाँ बुक में भी इन्होंने ऐसा ही छोड़ा हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, ये था जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ए बी सी की फॉर्म में दे रखा हो, ये वैल्यू पूछी हो। अब कुछ इस टाइप के कर लेते हैं जिसमें क्या होगा, वैल्यूज दे रखी होंगी ए बी सी की कुछ और, तो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं अब कैसा आता है। बट मैं ये कह रहा हूं, अब मुझे खुद बताओ कोई चिंता होगी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में, कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस जो कन्वर्जन फॉर्मूला है उनको ठीक से पढ़ लीजिए। क्या एनसीईआरटी में ये सब था, तो याद रखिए एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी और वो पढ़ाएंगे हम, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो टीचर का काम है। अगर अच्छा मेंटर आपको मिल रहा है, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज है, एग्जाम का एनालिसिस वो रखता है, तो फिर उसको पकड़ लो आप, ठीक है ना, उसको फॉलो कर लो फिर आप। अगर आपको जो भी लग रहा है आपकी लाइफ में, जो भी हो ए टू जेड, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, मैं कोई किसी स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है अभी इसको पकड़ के काम हो जाएगा, वो आपको खुद ही फील हो जाता है, हाँ भैया ये बंदा है या ये बंदा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अभी मेरी कोशिश है आपके लिए, ठीक है ना, कि आपको क्वालिटी कंटेंट मैं पढ़ाऊं, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, जिससे आपका एक मिनट वेस्ट ना हो, और जितना भी मैं पढ़ाऊं उसका 100% यूटिलाइजेशन हो जाए। तो हमेशा उम्मीद और कोशिश यही रहती है कि लेक्चर इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग हो और आपके लिए यूजफुल हो, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी, आपके नॉलेज बेस के लिए भी, और आपके फ्यूचर के लिए भी, आपके बेसिक के लिए भी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर टू अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू मैं लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन लिख इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज मैं पहले ही क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, जिससे मेरा और आपका दोनों का कीमती समय बर्बाद ना हो। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल देखिए अब आ रहा है पी क्यू की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू माइनस पी हो गई, और सी की वैल्यू क्यू हो गई, जब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो पहला वाला जल्दी से स्टार्ट करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उससे पहले आप दो वैल्यूज हमेशा निकाल के रख लीजिए, एक अल्फा प्लस बीटा की, बिकॉज हम हर चीज को सम में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू माइनस पी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी ए की वैल्यू 1 है तो ये सिर्फ पी बचेगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए, सी की जगह क्यू है, ए की जगह 1 है तो ये क्यू बचेगा, बात हो गई खत्म। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि पहला पार्ट है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसका हमने लगाया कन्वर्जन फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, देखो पी, इसलिए हम इसको पहले ही निकाल लीजिए ताकि हमें यहां ना फंसाना पड़े, उसको बार बार रख रहे हैं माइनस बी अपॉन ए, फिर उसकी वैल्यू रख रहे हैं, तो वो पहले ही निकाल के सेट कर लो, ठीक है, बहुत इससे ना कैलकुलेशन एरर बच जाएगी आपकी। और अल्फा इंटू बीटा क्यू है तो आंसर हो गया पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। अब बचा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एक सेकंड का क्वेश्चन है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लोगे बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू आ रखी है ऑलरेडी पी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रखी है ऑलरेडी क्यू, खलास, देख रहा आपने। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, अब जो भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे वो आप खुद करिए आराम से, एक एक क्वेश्चन दे रखी होगी और इस टाइप से जो भी होंगे जीरोस के कई सारे रिलेशन बना बना के आपसे वो पूछेगा, कन्वर्जन आपको मालूम है। अब क्या होगा, इस टाइप का कोई रिलेशन आएगा और उसकी वैल्यू दे रखी होगी, अब क्वेश्चन थोड़े उल्टे हो जाएंगे, वो क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं, मतलब जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे दी उसने 5 है, और यहां पे दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का 5, मतलब तो पी की वैल्यू बताओ, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अननोन दे देगा वो, और इस टाइप के रिलेशन की वैल्यू दे देगा,
कहेगा उस अननोन की वैल्यू बताइए, तो हम उसका कन्वर्जन फॉर्मूला लगाएंगे और उसको रखेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आ जाएगी। दिखाते हैं क्वेश्चन, चिंता की कोई बात नहीं, सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा दूर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फिर कैसा है। देखिए तो मेरे शेरों और शेरनियों, देखो भाई ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए एक पॉलिनोमियल ले दिया मैंने, क्या बोला था, एक अननोन देगा उसमें 2x2 + 5x + k, ये अननोन हो गया कोई, बट एक रिलेशन की वैल्यू दे रखी है। देखो सेटिस्फाइंग द रिलेशन, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू अब गिवन है 21/4। तो भैया के बता दो क्या आएगा, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, गिवन क्या दे रखा है भाई, गिवन उससे पहले क्या कहा था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा हर क्वेश्चन में निकाल लेना पहले ही। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू हो गई 5 माइनस का, और ए की वैल्यू हो गई 2। दूसरा अल्फा इनटू बीटा भी निकाल के भैया रख लो यहां पर, सी अपॉन ए होता है, दैट इज के अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक, बिकॉज हम हर चीज को कन्वर्ट करते हैं सम में और प्रोडक्ट में। तो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा निकाल क्या लेके चलना है हमें, ये गिवन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इसका क्या करोगे जल्दी बताओ, इसको क्या करोगे जल्दी से कन्वर्ट कर दो फटाक से, क्या था ये था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा, चाहो तो यहाँ वैल्यू रखवा दो, वरना चाहो तो पहले इनको लाइक टर्म है आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से, पहले निकाल चुके ना -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर, देखो माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा, क्या बचेगा माइनस का 1 अल्फा बीटा बचेगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू k/2, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दें k/2, बिकॉज छोटे बच्चे तो हो नहीं आप, सारे अच्छे बच्चे हैं समझ जाएंगे क्या किया हुआ है आपके सन ने, ठीक। 5 का स्क्वायर 25/4 -k/2, देखो आ गया k, तो जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे k जरूर आएगा यहाँ पर, उसका रिलेशन गिवन होगा, पुट कराओ, सिंप्लीफाई करो, वैल्यू निकालो, बात खत्म, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन कराए थे उसको अगर अच्छे से करना सीख जाओगे, तो कन्वर्जन फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम ले लिए 4, तो ये हो गया 25, 2 × 2 = 4 माइनस का 2k इक्वल टू 21/4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 25 20k को 21 को इधर लिया और 2k को उधर भेज दो प्लस में, 25 - 21 सर 4, 4 = 2k देन k इक्वल टू 2, आ गया 2, बस खत्म खल्लास। 3 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं 3 मार्क्स में, बहुत बार आए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएगा भैया, रिलेशन दे रखा होगा उसको कन्वर्ट कराओ, वैल्यू रखो, खत्म बात। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 दिखाएंगे, सॉल्यूशन इसको हटा दे रहे हैं, लैंग्वेज वही है क्वेश्चन की, बस इस रिलेशन को चेंज करेंगे और ये पॉलिनोमियल जो है इसको चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम यहां से उठा लेते हैं, ये हमारे पास बुक है एक, क्वेश्चन जो दे रखा है fx = PX = KX² + 4x + 4, ये पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। सेटिस्फाइंग द रिलेशन, रिलेशन ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो उससे आसान रिलेशन है, इक्वल टू 24 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर से वही काम है, दो क्वेश्चन से ही पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी यार करना क्या है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, इसके लिए माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का 4 ए की वैल्यू के, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी की जगह 4, ए की जगह भी के, तो वो माइनस का 4 अपॉन k और ये प्लस का 4 अपॉन k, चिंता की कोई बात नहीं, गिवन दे रखा है, क्या गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, इसको तो हम जल्दी से उड़ा देंगे सम में और प्रोडक्ट में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 24, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन k, उसका है स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 4 अपॉन k, ठीक, मल्टीप्लाई का साइन है ये 24। कभी कभी क्या होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है k की फॉर्म में, तो दो वैल्यूज आएंगी, फिर उसमें देखेंगे हम कौन सी सेटिस्फाई कर रही है या दोनों कर रही हैं। देखिए अभी दिखाते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन k² 4 × 2 = 8 माइनस का 8 अपॉन k इक्वल टू 24, तो k स्क्वायर अपन ने ले लिया एलसीएम, क्या बचेगा 16, k से k गया माइनस का 8k बचेगा इक्वल टू 24, ठीक है, बात समझ में आ रही है, k स्क्वायर की उधर मल्टीप्लाई करा दो, और इधर 8 कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएंगे ना थोड़े, 8 × 2 = 16। और मैं बच्चों को एक बात बोलता हूँ हमेशा, चाहे आप PhD में पहुँच जाओ, चाहे BSc करो, MSc करो, कुछ भी करो, मैथमेटिक्स में कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है, अगर कुछ आपको कॉमन मिल रहा है तो वो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना देगा, मेरी इस बात को याद रखिएगा, जहाँ भी कॉमन मिले ले डालो,
16 और 8 से 8 कॉमन मिल गया। देखो इससे फायदा क्या होगा, ये था ना 24 के स्क्वायर बन जाएगा, 8 3 24, तो बड़ा सिंपल हो गया। अब ये हो गया 3k स्क्वायर, बाकी इसको साइड ट्रांसपोज कर लो, प्लस का k हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। बन गई ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन k की फॉर्म में। अब इसके जीरोस कैसे निकालोगे, इसमें हम आपको पूरा भाई लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखाया था, तो अभी क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है देखो भाई, तो 3 2 6 है, और 3 और 2 से ही 1 भी बन जाएगा आपका। 3k स्क्वायर प्लस का k बनाना, यानी कि प्लस का 3k ले लो, माइनस का 2k ले लो, माइनस का 2 इक्वल टू 0। 3k कॉमन लो, क्या बचेगा, इधर बचेगा k, इधर बचेगा 1, k प्लस 1, इधर माइनस का 2 कॉमन लोगे तो इधर भी k प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो एक हो गया आपका k प्लस 1 फैक्टर, और एक हो गया आपका 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, और एक k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो कहा था ना उसने k की वैल्यू बताई है, तो दीज आर दी टू वैल्यूज, आ गई k की, बात खत्म हो गई, यही आंसर हमें निकालना था। तो इस टाइप के अब जितने भी क्वेश्चन है आप कर लेंगे, उसमें एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में कोई अननोन दिया होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों आपके लिए। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी रेफरेंस बुक से, आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, चाहे उपाध्याय हो, कोई सी भी बुक हो, आप वहां से प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।